हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक ऑन स्टडी काउंसिल। दोस्तों, इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंग्लिश के वो चंद फिक्रा जो आप हर रोज़ इंग्लिश के बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं। ये इंग्लिश के वो फिक्रात हैं जो आप अपने कम्युनिकेशन में कहीं भी इनको यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। अपने कम्युनिकेशन का आगाज़ कुछ इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले कहते हैं, कैसे हो? हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम क्वाइट वेल। अगर आई एम को फ्लुएंसी प्रोनाउंस करना है तो आई एम को एम प्रोनाउंस करते हैं। आई एम क्वाइट वेल। आई एम क्वाइट वेल। तुम सुनाओ, व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू? तुम सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ऑल्सो ऑल राइट। आई एम ऑल्सो ऑल राइट। यहाँ पे भी एम को फ्लुएंसी अगर प्रोनाउंस करना है तो आई एम को यहाँ पे भी एम प्रोनाउंस करते हैं। आई एम ऑल्सो ऑल राइट। आई एम ऑल्सो ऑल राइट। आपको खुश आमदीद कहते हैं। यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। कोई तशरीफ़ ले आए तो उससे कोई नाम जानना चाहते हो तो उसको खूबसूरत अंदाज से पूछ सकते हैं, आपका इसम शरीफ। यू हैव गुड नेम प्लीज़। यू हैव गुड नेम प्लीज़। आइए तशरीफ़ लाइए। प्लीज़ स्टेप इन। प्लीज़ स्टेप इन। स्टेप इन को एक साथ ही पढ़ना है, स्टेप इन। प्लीज़ स्टेप इन। तशरीफ़ रखिए। बी सीटेड प्लीज़। बी सीटेड प्लीज़। अपना ही घर समझिए। मेक योर सेल्फ एट होम। मेक योर सेल्फ एट होम। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। जब उसका शुक्रिया अदा करते हैं आने का तो हम कहते हैं आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर विजिट। थैंक यू फॉर योर विजिट। जब हम कहीं पे होते हैं, डे का मालूम नहीं होता तो इंग्लिश में आप पूछ सकते हैं, आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? व्हाट डे is today? What day is today? आज क्या दिन है? आज इतवार है। Today is Sunday. Today is Sunday. वीक के जितने भी डेज हैं तो आप कोई भी जो भी डेज हो तो उस वक्त आप कह सकते हैं Today is Sunday. Today is Monday. मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ। I am definite. I am definite. Definite. हाँ, ऐसा ज़रूर है। यस इट मस्ट बी। इट मस्ट बी। ये मेरा यकीन है। इट्स माई कन्वेक्शन। इट्स माई कन्वेक्शन। यहाँ पे इट इज़ को एक साथ पढ़ रहे हैं। इट इज़ लिखने में तो इट इज़ लिखते हैं, स्पोकन में हम कहते हैं इट्स। इट्स माई कन्वेक्शन। जब किसी की तारीफ करनी हो तो आप उस वक्त कहते हैं आप बहुत अच्छे हो। आप बहुत अच्छे हो। सो नाइस ऑफ यू। सो नाइस ऑफ यू। मसला खड़ा ना करो। कोई मसला खड़ा कर रहा हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो उस वक्त आप कह सकते हो मसला खड़ा ना करो। डोंट क्रिएट प्रॉब्लम। डोंट क्रिएट प्रॉब्लम। लिखने में डू नॉट लिखते हैं, स्पोकन में डू नॉट को डोंट प्रोनाउंस करते हैं। डोंट क्रिएट प्रॉब्लम। इंतजार करो और देखो। वेट एंड सी। वेट एंड सी। अपना रवैया दुरुस्त करें। अपना रवैया दुरुस्त करें। बिहेव योर सेल्फ। बिहेव योर सेल्फ। मुँह संभाल कर बात करो। मुँह संभाल कर बात करो। कोई बक बक कर रहा हो तो उस वक़्त आप कह सकते हो मुँह संभाल कर बात करो। माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। जब हम किसी के साथ वेश का इजहार करते हैं तो उस वक़्त हम कह सकते हैं आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका दिन अच्छा गुजरे। गुड डे टू यू। गुड डे टू यू। आप बहुत अच्छे हो। यू आर वेरी गुड। यू आर वेरी गुड। मेरे साथ चलो। कम विद मी। कम विद मी। जैसे आपकी मर्जी। एज यू लाइक। एज यू लाइक। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट। कैन नॉट को यहाँ पे कांट प्रोनाउंस कर रहे हैं। I can't wait। कैनॉट को can't प्रोनाउंस करना। I can't wait। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। जब आपको आने के लिए आपको कोई इनवाइट करे तो उस वक़्त आप
कह सकते हैं मैं ज़रूर आऊँगा, आई डू कम। सुकून से रहें, प्लीज़ कूल डाउन। ये नाकाबिले यकीन है, दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये नाकाबिले यकीन है। अब मैं मुतमैन हूँ, जब आप इत्मीनान कर लें या सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उस वक्त कह सकते हैं अब मैं मुतमैन हूँ इस चीज़ से, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। अब फ्लुएंसी प्रोनाउंसी कुछ यूँ होगा, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू सी यू। जब कोई शख्स दिलचस्प से यानी इंटरेस्टिंग से कोई काम सर अंजाम दे तो हम उस वक्त कह सकते हैं ये दिलचस्प है, दैट्स इंटरेस्टिंग। दैट इज़ को यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहे हैं दैट्स इंटरेस्टिंग, ये दिलचस्प है, मुझे समझ आ रही है। जब आपको कोई काम समझ आ रही हो या कोई लेक्चर ले रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन ले रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि मुझे समझ आ रही है, आई एम पिकिंग। आई एम को यहाँ पे फ्लुएंसी प्रोनाउंस करना, आई एम पिकिंग, ये अच्छा है, दैट्स ग्रेट। यहाँ भी दैट इज को दैट्स प्रोनाउंस करना, दैट्स ग्रेट, ये अच्छा है, ये काबिले सताइश है, This is admirable. बहुत अच्छा, ऐसा जारी रखो, well done, keep it up. अगर कोई काम अच्छा कर रहा हो तो उस वक्त हम उसकी अप्रिशिएट करते हैं, उसको दाद देते हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए कह सकते हैं कि well done, keep it up, ऐसा जारी रखो,